Now page 34. In this video we will read page 34. I want you to do one thing. मैं चाहती हूँ कि तुम एक काम करो सोनू. Come with me and see Rahiman's house. कि मेरे साथ चलो और रहीमन का घर देखो. Come on. चलो. I won't go to the office today. कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी. Go and wash your face and hands. कि जाओ अपना मुंह और हाथ धो लो. सोनू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दिस वाज अबाउट. कि सोनू को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या किसके बारे में हो रहा है या क्या था. बट मम्मी स्पोक इन सच अ वॉइस दैट ही कुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन. पर मम्मी ने कुछ ऐसे लहजे में बात की या ऐसे आवाज़ में बात की कि वो कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सका. सो ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एंड गोट रेडी टू गो विद हर. सो सोनू ने अपना हाथ फेस धोया और हाथ धोए और जाने के लिए अपनी मम्मी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया. दे वेंट टू अ क्लस्टर ऑफ हट्स राइट एट द एंड ऑफ देयर लेन. जो उनकी जो लेन थी वो गली थी या सड़क थी उस वो वहाँ पर गए. क्लस्टर ऑफ हट्स क्लस्टर होता है झोपड़ियों का झुंड टाइप में. बहुत सारी झोपड़ियाँ एक जगह पे जो होती हैं उनकी लेन के आखिर में जहाँ पर झोपड़ियों के झुंड थे वो वहाँ पर गए. इट वॉज टेरेबली स्मेली. वो बहुत बुरी तरह से उसमें से बदबू आ रही थी. एवरीवेयर यू लुक्ड देयर वॉज गार्बेज लाइंग अराउंड इन हीप्स. चारों तरफ जहाँ भी तुम देखो वहाँ पर गार्बेज कचरे के ढेर पड़े हुए थे. हीप्स मीन्स ढेर. Crows packed at it means यहाँ वहाँ पर जो कौओं का झुंड उसके ऊपर बैठा हुआ था. Mangry crows sniffed it. Mangry means जो भूखे हुए से वो कुत्ते होते हैं उनके ऊपर वो उनको सूंघ रहे हैं. Cats chased rats around it. और बिल्लियाँ चूहों के पीछे भाग रही हैं. मीन्स वो ये वहाँ का सीन उसमें दिखा रहे हैं कि कैसे हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है. बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है. कुत्ते उस गार्बेज को सूंघ रहे हैं इस टाइप से. देर वॉज अ सिंगल वाटर टैप एंड अ क्राउड ऑफ 30 or 40 वीमेन अराउंड इट. वहाँ पर केवल एक सिंगल वाटर टैप थी जिसके चारों तरफ 30 से 40 औरतों का झुंड भीड़ थी. मम्मी स्टॉप्ड. वेयर इज रहीमन्स मदर शी कॉल्ड टू द वुमेन. मम्मी रुकी और उन्होंने एक औरतों से पूछा कि रहीमन की मदर कहाँ है. बाई सडनली केम आउट ऑफ द क्राउड. भीड़ में से बाई अचानक से बाहर आई. लुकिंग अमेज्ड व्हेन शी सा हर मेम साहब. वो जब बाई ने अपनी मेम साहब को देखा तो वो बड़ी ही हैरान हुई. वेयर इज रहीमन आस्क्ड मम्मी. मम्मी ने पूछा कि रहीमन कहाँ है. एंड सून देवर एंटरिंग अ टाइनी हाउस. और जल्द ही वो एक छोटे से घर में एंटर कर गए. इट वॉज सो डार्क इन साइड दैट दे कुड हार्डली सी. वहाँ पर उसके अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि वो बड़ी मुश्किल से ही कुछ देख पा रहे थे. देन दे सा अ स्मॉल फिगर बाय द स्टोव इन अ स्मोकी कॉर्नर. फिर उनने एक छोटी सी आकृति फिगर मीन्स एक छोटी सी आकृति देखी जो स्टोव के पास में स्मोकी कॉर्नर जो जहाँ पर स्टोव के पास धुआं उठ रहा था तो वो वहाँ पर बैठी हुई थी. इट वॉज रहीमन. वो रहीमन थी. इन टॉर्न फिल्दी क्लोथ्स. टॉर्न मीन्स कटे फटे और जो गंदे से कपड़े होते हैं उनमें. शी गॉट अप स्लोली. वो धीरे से उठी एंड लुक्ड एट सोनू और सोनू की तरफ देखा. हर आईज वर रेड. उसकी आँखें लाल थी. रहीमन सोनू हैज कम हियर टू से दैट ही इज सो सॉरी. तो फिर उसकी मम्मी ने कहा कि रहीमन सोनू यहाँ पर आया है तुम्हें ये कहने के लिए कि वो बहुत सॉरी है और जो उसने तुम्हारे साथ किया वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया है. नो 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 वेयर इज़ द नीड फॉर दैट. बाई क्विकली ब्रोकन इन. बाई ने बीच में ही रोकते हुए कहा नहीं 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 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. चिल्ड्रन आर ऑलवेज क्वारलिंग एंड मेकिंग अप. वो कहती है कि बच्चे तो आपस में झड़ते ही रहते हैं और वापस से फिर उनके
वो ठीक हो जाते हैं। नो बडी माइंड्स अ फ्यू फाइट्स बिटवीन फ्रेंड्स बाई मम्मी सेट। तो मम्मी कहती है कि भाई कहीं नो बडी माइंड्स अ फ्यू फाइट्स बिटवीन फ्रेंड्स, की जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं उनको कोई माइंड नहीं करता भाई, बट वेन पीपल स्टार्ट हेटिंग ईच अदर इट इज़ जस्ट लाइक पॉइजन। पर जब लोग एक दूसरे के साथ नफरत करने लगे तो वो जहर बन जाता है। तो वो कहते छोटी मोटी फाइट को की कोई बात नहीं है, जब फाइट्स बड़ी हो जाती है और आप एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हो तो वो जहर का रूप ले लेता है। शी लुक्ड एट रहीमन एंड सेड टू बाई फ्रॉम टुमारो सोनू विल बी गोइंग टू स्कूल। उसने सोनू को उसको रहीमन को देखा और बाई को देखा और उसने कहा कि कल से सोनू स्कूल जा रहा है। रहीमन टू कैन गो नाउ कांट शी। फिर वो उसकी मम्मी कहती है कि रहीमन भी जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। यस मैम साहब। हाँ मैम साहब। वी विल यूज़ द मनी यू गेव हर टू बाई बुक्स एंड गेट हर यूनिफॉर्म्स टेस्ट। कि जो पैसे आपने हमें दिए थे हमने उनका यूज़ किया और इसके लिए बुक्स और जो यूनिफॉर्म सिलवा दी है, बुक्स खरीद ली हैं और यूनिफॉर्म भी उसके लिए सिलवा दी हैं। सोनू टर्न टू मम्मी। सोनू ने मुड़कर मम्मी की तरफ देखा। मम्मी वॉज स्माइलिंग। मम्मी हंस रही थी। हर आइज ऑन द लिटल गर्ल्स फेस। और उसकी उनकी आंखें उस लड़की के फेस पर थी। मम्मी उसको रहीमन को देख रही थी और सोनू मम्मी की तरफ देख रहा था। देन सोनू वेंट टू रहीमन। फिर सोनू रहीमन के पास गया। ही पुट आउट हिज हैंड्स एंड टस्ट हर शोल्डर। उसने अपने हाथ निकाले, पॉकेट में जैसे भी रखे होंगे, उसने अपने हाथ निकाले और उसके शोल्डर्स को रहीमन के शोल्डर्स पर रखे, टच किया। एंड दो ही विस्पर्ड ऑल ऑफ देम कुड हियर हिम से सॉरी बेस्ट फ्रेंड। और प्यार से उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने जो बुदबुदाया उसको सभी सुन सकते थे। उसने बोला सॉरी बेस्ट फ्रेंड। सो दिस वॉज द स्टोरी बेटा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।